यार यार मैडम फिर से आ गई। बोलिए मैडम। मेरा बेटा 5 साल 4 महीने 3 दिन और 2 घंटे का हो गया। अब अगर मैं उसका फिर से मैं एडमिशन कराऊं तो क्या उसे आईटी की सीट मिलेगी? सॉरी मैडम, आप 2 डेज लेट हो चुके हो। चलो। अरे मैडम निकल जाइए, हमारे मिस की बात तो सुनते जाइए। आपके सवाल है क्या? नहीं आता होगा मैडम आपका गूगल। जी मैडम, मेरा एक सवाल है, अगर कोई मेरे साथ जबरदस्ती करे इसे नॉर्मल? बिल्कुल नहीं मैडम, पर आपके साथ जबरदस्ती की किसने? फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोवर्कर या कोई कजन? टेंशन मत लीजिए मैडम, हमारे पास का सलूशन है। मैडम एक मिनट। अरे यार मेरे लिंक पे यूज़ है। मैडम मेरे पास एक वीडियो है, क्या आप देखना चाहेंगी? हाँ। भाई थोड़ी जबरदस्ती कर ही रहा है तो 2 मिनट उसके साथ लेट के एंजॉय कर ही लो, पति है ना तुम्हारा। मैडम ये वीडियो देख के आप समझ तो गई होंगी। नहीं मुझे अभी भी समझ नहीं आया, मैं करूँ क्या? सवाल रुको मैडम। अरे काउंटर का यार। ओजी बैंक में आओ, परमिट की बनवाओ। ओजी बैंक में आओ, परमिट की बनवाओ। कभी भी आओ, कभी भी जाओ, अपना परमिट साथ ही जाओ। तो आओ। डॉक्यूमेंट खिलाड़ी। अच्छा चलो साहब, अरे बताओ
अपने संग लाई थी खुशियां बड़ी, पलकों पे बैठा के रखते थे जिसे, सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी इसकी। ये देखो क्या बैठी है, और मैं पूरे घर में इसको ढूंढ रही हूँ। अभी से ये सारे चौक पाल रखे हैं। खुशियों का बनना था, फिर तू क्यों मेरी जिंदगी का काला साया बन गई? तेरा साया बन तेरे साथ रहूं बस यही दुआ थी मेरी, पर फिर क्यों इन रिवायतों में मैं उलझ गई? उलझन तो कई सालों की थी, और इन 10 सालों में मैंने अपना आत्मसम्मान भी खो दिया, और फिर भी चुप रही क्योंकि यही तो मेरा दस्तूर था ना, एक अच्छी पत्नी बनने का फर्ज निभाना था ना। फर्ज था ना मेरा खुश रखना उसे, लेकिन मेरे बारे तो किसी ने नहीं सोचा। सोचा था मेरी जिंदगी में इनायत की तरह थे, पर ये कैसी इनायत है जिसने मेरी ही ख्वाहिशों को तबाह कर दिया।
तबाह तो मैं कई साल पहले हो चुकी थी, पर मैं करती क्या? कुछ कहती भी तो क्या कोई सुनता? कोई सुनता भी तो कोई मेरी इस बेबसी को समझता? अरे कोई समझता भी तो क्या मुझे इंसाफ दिला पाता? इंसाफ उसकी उम्मीद तो मैं पहले ही छोड़ चुकी हूँ। क्यों मेरे कर्तव्यों ने मेरे ही आत्मसम्मान का गला दबा दिया? आखिर ये जबरदस्ती नहीं तो क्या है? जिम्मेदारी रात तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हारी जिम्मेदारी थी। फर्क जानना चाहते हो ना तुम? फर्क बिल्कुल सीधा सा है। शादी, शादी जबरदस्ती और जिम्मेदारी के बीच का वो फर्क है जिसे तुम जैसे ये मॉडर्न जमाने की खोपड़ी सोच वाले लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। पति और पत्नी के एक दूसरे के प्रति कुछ फर्ज होते हैं, तो अगर अब उन दोनों में से कोई एक उन फर्जों को निभाने से इनकार कर दे के पवित्र बंधन को बनाए रखने के लिए अगर थोड़ी सी खींचतानी हो भी जाए इसमें गलत क्या है? कल उम्रीत पता चली आई धर्म समर्पण मनुष्य भाई, हमें हमेशा से यह सिखाया गया है कि हमारी हर समस्याओं का हल हमारे ग्रंथों में लिखा है। मनुस्मृति के हिसाब से पत्नी अपने आगे बढ़ाने के लिए अदालत के आपसे कुछ सवाल है, क्या आप उनके तमाम जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी। आपके पति ने या उनके घर वालों ने कभी आपसे दहेज की मांग की? नहीं। क्या आपके पति अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ रहे? नहीं। क्या आपकी तरफ से आपके पति के ऊपर किसी भी तरह के वॉयलेंस के कोई आरोप है? नहीं। आपके तमाम जवाब सुनने के बाद इंडिया इज ऑफ लॉ, योर हस्बैंड इज एन इनोसेंट मैन, लेकिन फिर भी अगर आप इस शादी से ना खुश हैं तो आप डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर सकती हैं। केस डिसमिस्ड। कितनी आसानी से खामोश कर दी चीखे मेरी और बोल दिया पोंछ लो अपने आंसू। जब मैं शादी कर इस घर में आई थी तो मैंने अपने पति को पूरी ईमानदारी और पूरे प्रेम से अपनाया, यही तो धर्म था ना मेरा। अरे यही तो मेरी माँ ने सिखाया था ना मुझे, एक अच्छी बेटी से एक अच्छी बीवी बहू बनना था ना मुझे।
क्रिमिनल।